डिंडोरी में पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं ने 4 वर्षों से परीक्षा न होने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। डिंडोरी नगर में संचालित नर्मदा पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं का आरोप है कि 4 वर्षों से परीक्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण वे परेशान हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है। नाम क्या है? नाम तरुण कुमार प्रजापति। आपका कहाँ से है? धनवासी से। कौन सा कॉलेज से? नर्मदा पैरामेडिकल कॉलेज डिंडोरी। आप लोग का आज कलेक्टर पहुँचे, क्या शिकायत लेकर पहुँचे? कलेक्टर, ये हमारा शिकायत ये है सर कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर जो है, हमारा एडमिट कार्ड जनरेट नहीं कर पा रही है लगभग 4 सालों से, और इन्होंने टाइम टेबल जनरेट किया, उस डेट पे हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया गया सर विश्वविद्यालय के द्वारा। कितने वर्षों से एग्ज़ाम नहीं हुआ सर? ये हम 2018-19 के बैच हैं, जिसमें से अभी ये 21-22 चल रहा है सर, 2022-23। तब से अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ जी? टाइम टेबल आया, परंतु उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाया सर। हम कुल 47 बच्चे हैं, जिसमें से अभी 47 बच्चे में किसी एक का भी एडमिट कार्ड जनरेट नहीं कर पाई है विश्वविद्यालय में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा सर एडमिट कार्ड जनरेट हो और हम एग्ज़ाम दें। अगर आपके मतलब शिकायतें दूर नहीं हो तो क्या करेंगे आप? सर अगर शिकायत करने के पश्चात हमारा जो है समाधान नहीं होता है, तो 12 दिन के बाद हम जबलपुर हाईवे पर स्ट्राइक करेंगे सर, 12 दिन के बाद आज से। छात्रों ने कुलपति मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान जबलपुर को पत्र लिखकर मांग की है कि 12 दिवस के अंदर यदि छात्र छात्राओं की समस्या का निदान नहीं किया जाता है, तो नर्मदा पैरामेडिकल के छात्र छात्रा इस सड़कों में उतरकर आंदोलन करेंगे। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए डिंडोरी से दीपक नामदेव की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।